शेयर कर हलूं। कच्चे में धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन लाए पाक फौज के तलब के वियो आ है। वफाकी काबीना कच्चे में फौज मुकरर करने की मंजूरी दे छी आ है। जरियन मूजिब घरू वजारत की समरी की सर्कुलेशन जरिए काबीना खां मंजूरी वरती वही है। जरियन मूजिब पंजाब हुकूमत फौज की खिदमत लाए वफाक से राबतो कयो हो। ऑपरेशन की सूरत हाल के नजर में रखंदे फौज की खिदमत में वाद जो फैसलो थींदो। पंजाब हुकूमत जो मौकिफ है त कच्चे के इलाके में धाड़ेलन वट जदीद हथियार आहिन। ब्रेकिंग न्यूज अवां सां शेयर कंदा हलूं। कच्चे में धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन लाए पाक फौज के तलब कयो वियो आहे। वफाकी काबीना कच्चे में फौज मुकरर करण जी मंजूरी दे छॾी आहे। ज़रियन मूजिब घरू वज़ारत जी समरी जी सर्कुलेशन ज़रिए काबीना खां मंजूरी वरती वई आहे। ज़रियन मूजिब पंजाब हुकूमत फौज की खिदमतुनि लाइ वफाक सां राबतो कयो हो। ऑपरेशन की सूरत हाल के नज़र में रखंदे फौज की खिदमतुनि में वाद जो फैसलो थींदो। पंजाब हुकूमत जो मौकिफ है त कच्चे के इलाके में धाड़ेलन वट जदीद हथियार आहिन। ब्रेकिंग न्यूज अमा सां शेयर कंदा हलूं। कच्चे में धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन लाइ पाक फौज के तलब कयो वियो आहे। वफाकी काबीना कच्चे में फौज मुकरर करण जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। ज़रियन मूजिब घरू वज़ारत जी समरी जी सर्कुलेशन ज़रिए काबीना खां मंजूरी वरती वई आहे। ज़रियन मूजिब पंजाब हुकूमत फौज की खिदमतुनि लाइ वफाक सां राबतो कयो हो। ऑपरेशन की सूरत हाल के नज़र में रखंदे फौज की खिदमतुनि में वाद जो फ़ैसिलो थींदो। पंजाब हुकूमत जो मौकिफ है त कच्चे के इलाके में धाड़ेलन वट जदीद हथियार आहिन। ब्रेकिंग न्यूज अमा सां शेयर कर रहा हूं। कच्चे में धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन लाइ पाक फौज के तलब कयो वियो आहे। वफाकी काबीना कच्चे में फौज मुकरर करण की मंजूरी ॾेई छॾी आहे। ज़रियन मूजिब घरू वज़ारत जी समरी जे सर्कुलेशन ज़रिए काबीना खां मंजूरी वरिती वई आहे। ज़रियन मूजिब पंजाब हुकूमत फौज की खिदमतुनि लाइ वफाक सां राबतो कयो हो। ऑपरेशन की सूरत हाल के नज़र में रखंदे फौज की खिदमतुनि में वाद जो फ़ैसिलो थियो। पंजाब हुकूमत जो मौकिफ़ है त कच्चे के इलाके में धाड़ेलन वट जदीद हथियार आहिन। ब्रेकिंग न्यूज़ अमा सां शेयर कंदा हलूं। कच्चे में धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन लाइ पाक फौज के तलब कयो वियो आहे। वफाकी काबीना कच्चे में फौज मुकरर करण जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। इन वक्त सां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे सीनियर तर्जनगार सिद्दीक साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्दीक साहब, ये फरमाइएगा कि वफाकी काबीना ने जो है कच्चे में वहां पर फौज मुकरर करने की मंजूरी दे दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है, उस ऑपरेशन के तनाजर में जो वहाँ पे डाकू है उसका उनके पास जदीद असला रॉकेट वगैरह जदीद हथियार थे, और पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने वफाकी हुकूमत से, खासतौर पर पंजाब हुकूमत से, पंजाब हुकूमत की जानब से वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त की गई थी कि फौज की जो खिदमात है हमें दी जाए ताकि डाकुओं का हमेशा के लिए वहां से खात्मा किया जाए, उनको उस इलाके से निकाला जाए। तो उसके बाद फिर वफाकी काबीना ने एक सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है ये मंजूरी दे दी है कच्चे के इलाके में फौज तैनात करने की, और ये मई के पहले हफ्ते तक जो है वो फौज की तैनाती वहां पे होगी। जी अच्छा सिद्दीक साहब, ये भी फरमाएगा कि ये जो पाक फौज का जो फैसला किया गया है पाक फौज को वहां पर मुकर्रर करने का, ये माजी में भी देखा गया कि आपके आपके पास ये भी इल्म होगा कि माजी में नवाज शरीफ के दौर में भी ऑपरेशन किया गया था एंड डाकुओं के खिलाफ, तो क्या ये उन्हीं नोयत का ये हमला इनके ऊपर जो है ऑपरेशन होगा? देखिए, जब भी फौज की खिदमात की जरूरत पड़ेगी, फौज इनका तावन करने के लिए और उनकी मदद के लिए पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट सीटीडी है या दीगर जो कोई फोर्स है उसकी मदद के लिए जो है वो तैयार होगी, और साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पे जो मुकामी कोर कमांडर्स हैं बहावलपुर, उनकी जानब से भी फौज की तैनाती की जाएगी, और फिर जो सिंध के मुल्तान के जो लोग हैं उनकी जानब से भी तैनाती जो है वो की जाएगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने इसकी अब बाज़ाब्ता जो है वो मंजूरी दी है। जी अच्छा सिद्दीक साहब, जब जनरल राहिल शरीफ चीफ ऑफ आर्मी थे उस वक्त भी छोटू गैंग जो आपने सुना होगा, छोटू गैंग के जो राजनपुर वहां पर रुझान का जो नामवर डाकू थे
वो गैंग थी है कि उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया गया था, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब उसी नोयत का क्या गिरफ्तारी होगी या फिर बीच में जो है ये बासर जो लोग हैं वो आ जाएंगे, गिरफ्तारी होगी या फिर पूरा का पूरा ऑपरेशन होगा? नहीं, इस मरतबा इन्होंने तय किया है कि इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, किसी किस्म का कोई सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। तो गैसी रिपोर्ट्स इनके पास हैं कि कच्चे के इलाके में जो है वो डाकुओं के साथ साथ कुछ दहशतगर्द जो लोग हैं, ये जो ग्रुप है वो भी वहाँ पे छुपे हुए हैं, पनाह लिए हुए हैं, और जो कि अमन अमान की सूरत हाल पैदा करते हैं। कुछ इश्तहारी लोग हैं जो मुजरबार होते हैं कत्ल के वाकयात में, देखिए वो भी वहाँ पे जाकर छुप जाते हैं, पनाह ले लेते हैं। तो इस मरतबा इन्होंने ये तय किया है कि किसी किस्म का कोई सियासी दबाव एक्सेप्ट नहीं होगा और इस पर ऑपरेशन को जो है वो मंत्री अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है सदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।